तो दो महायुद्ध इस वक्त चल रहे हैं दुनिया भर में, जिसमें एक महामुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आज सारी दुनिया की नजर अमेरिका में जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात पर है। इस खास शो में आपको दिखाएंगे कैसे T3 से विश्व युद्ध शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन पहले दिखाते हैं 12 बजे की 12 वीडियो ब्रेकिंग। तो सबसे पहली खबर आपके सामने हम रख दें, जहां कल्किया में इजरायली सेना की कार्रवाई हुई है। हमास समर्थकों के खिलाफ ये कार्रवाई जारी है। हमास समर्थकों और इजरायली फोर्स में इस वक्त गोलीबारी की खबर भी इस इलाके से सामने आ रही है। तस्वीरें आप देखिए। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां हमास समर्थकों और इजरायली फोर्स में गोलीबारी के बाद खबर आ रही है कि नबल्स में इजरायली सेना का तलाशी अभियान तेज हो गया है। कसरा शहर के हर घर की तलाशी ली जा रही है इस वक्त, और तस्वीरें भी आप तक पहुंचा देते हैं। ये देखिए आप दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से नबल्स में भी तलाशी अभियान इजरायली सेना का जारी। अलग अलग घरों में घुसकर इजरायली सेना इस वक्त तलाशी ले रही है। हमास के लड़ाकों और उनके समर्थकों की तलाशी लगातार की जा रही है। बता दें आपको, IDF ने हमास के चीफ हानिया के घर को निशाना बनाया। इस वक्त की ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। हमास चीफ के घर पर बड़े हमले को लेकर गाजा में हानिया का घर ध्वस्त करने की खबर सामने आ रही है। हानिया के घर पर एयर स्ट्राइक की गई है। हानिया के घर पर हमले का वीडियो भी सामने आया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है जिसकी तस्वीरें सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते हैं, जहां हमास चीफ के घर पर एयर स्ट्राइक की गई है, उसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाजा में हमास के चीफ हानिया का घर था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है हवाई हमले में। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इसी हमले से जुड़ी हुई, जिसमें हमास चीफ इस्माइल हानिया के घर को टारगेट किया गया है, पूरी तरीके से उसे तबाह कर दिया गया है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं एयर स्ट्राइक कर एक हानिया के घर को तबाह कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर में IDF के जवान इस इलाके में दाखिल होते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हानिया के घर पर हमले का ये वीडियो आपके सामने है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक कर हानिया के घर को तबाह कर दिया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ तेल अवीव से हमें ज्वाइन कर रहे हैं विपिन चौबे। विपिन, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, मैसेज यहाँ पर क्लियर है IDF की तरफ से कि चाहे वो हमास से जुड़े हुए लड़ाके हो, उनके चीफ हो या उनके समर्थक, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, इससे पहले आपने देखा प्रतिमा की जो वहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग है, गवर्नर हाउस है, और इसके अलावा जिसके नेतृत्व में ये पूरा आप समझते हैं कि इस पूरे युद्ध को लड़ा गया, उसके घर को नष्ट करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। और इसके जरिए संदेश ये कि अब भी आपके पास वक्त है, अगर सरेंडर करोगे तो बच जाओगे, नहीं तो आपका मरना तय है। तमाम बड़े कमांडर्स आज की तारीख में फिलिस्तीन की धरती को छोड़कर भाग चुके हैं, या तो वो साउथ गाजा में शरण लिए हुए हैं या फिर आसपास के मुल्कों में जा चुके हैं, और लड़ाके अभी भी जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं। तो उनका मोरल डाउन करने के लिए इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और पहले दिन से नेतन्याहू का मैसेज बहुत ज्यादा क्लियर है कि हम जब तक गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान नहीं मिटा देते, तब तक हमारा ऑपरेशन नहीं रुकेगा। उसी के मद्देनजर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और एयर स्ट्राइक करके हमास के चीफ हानिया के घर को ध्वस्त कर दिया गया। बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी दर्शकों तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। विपिन, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तरी गाजा में IDF का भीषण हमला अब भी जारी है। बता दें बेइत लाहिया में इजराइल ने गोले दागे। फिलिस्तीनी मीडिया का फॉस्फोरस बम से हमले का दावा भी इस बीच सामने आया है, जहां पर फिलिस्तीन मीडिया कह रही है कि यहां पर फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया है। किस तरीके से इस पूरे इलाके में भगदड़ मच गई है इसराइल के हमलों के बाद, ये आप देख सकते हैं। फिलिस्तीनी मीडिया में हालांकि दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार पूरे आसमान में छा गया है। यहाँ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, मुंह पर रुमाल बांधे हुए नजर आ रहे हैं। गाजा में जो ये हमला हुआ है, इसको लेकर फिलिस्तीनी मीडिया ये दावे कर रही है कि इसमें फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया।
और इस बीच गाजा में इजरायली फोर्स के ताबड़तोड़ हमले जारी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, हमास के ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं। तो हमास के अलग अलग ठिकानों को आईडीएफ द्वारा टारगेट किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए गाजा से सामने आ रही है, जहां पर हमास के ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं। ताबड़तोड़ हमले इजरायली फोर्स द्वारा किए जा रहे हैं इस पूरे इलाके में। और इस बीच अलकुद्स ब्रिगेड का इजरायली सेना पर लगातार हमला जारी है। अलकुद्स ने बद्रवन रॉकेट से हमला किया। रॉकेट हमले का वीडियो भी बकायदा जारी किया गया है, ये तस्वीरें आप देखिए। आईडीएफ पर बद्रवन रॉकेट से अलकुद्स ने हमला बोला। अगली बड़ी खबर इस बीच आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर आईडीएफ की कार्रवाई के दौरान ब्लास्ट हुआ है। इजरायली सेना की कार्रवाई के दौरान ब्लास्ट को लेकर खबर सामने आ रही है, जहां ब्लास्ट में इजरायली सेना के दो बुलडोजर तबाह हो गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, गाजा में बमबारी से गैस स्टेशन भी तबाह हो गया है। बमबारी के बाद मलबे का ढेर यहाँ पर नजर आया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये गैस स्टेशन की तस्वीरें बताई जा रही है गाजा में, जहाँ पर बमबारी हुई है और उसके बाद इस पूरे इलाके में मलबे का ढेर साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो जिस महा मुलाकात पर पूरी दुनिया भर की निगाहें टिकी रही, उससे निकला क्या? असल में हालात बेहतर होने के बजाय तनाव वाले हो गए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि बाइडेन वर्सेस जिनपिंग T3 से विश्व युद्ध के संकेत। सबसे पहले वो शब्द देखिए जो दोनों के बीच हुई बैठक में इस्तेमाल किए गए, युद्ध से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों का, जिसमें बाइडेन वर्सेस जिनपिंग T3 से विश्व युद्ध के संकेत मिल रहे हैं क्या, इस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं वो शब्द जो दोनों के बीच हुई बैठक में इस्तेमाल किए गए, तो देखिए क्या वो शब्द थे। तानाशाह जो बाइडेन ने जिनपिंग को कहा, ये बड़ी बात है। इसके अलावा ताइवान, ये अगला बड़ा शब्द जिसे हम देख रहे हैं इस मीटिंग में और इसके मायने समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर जिनपिंग ने बाइडेन को सीधे तौर पर दखल नहीं देने की नसीहत भी दे डाली इस बैठक के दौरान। तो वहीं तेहरान को लेकर बाइडेन ने इशारों में संदेश दिया और कहा कि ईरान मध्य पूर्व में जंगी आग भड़काना बंद करे। तो ये तीन प्रमुख शब्द, तानाशाह, ताइवान, तेहरान, ये है T3, जिससे क्या विश्व युद्ध के संकेत मिल रहे, बड़ा सवाल। इस बीच जिनपिंग पर बाइडेन का सख्त बयान भी सामने आया है। बाइडेन ने जिनपिंग को तानाशाह बताया। जिनपिंग साम्यवादी देश चलाते हैं, चीन की सरकार अमेरिका से अलग है, ये बड़ी बात कही गई इस मुलाकात के दौरान। Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a country that is based on a form of government totally different than ours. और इधर ताइवान के मुद्दे पर भी जो बाइडेन ने अपनी बात कही है, ताइवान से संबंधों पर हमेशा जोर है, ये बाइडेन ने कहा। ताइवान चुनाव पर बात हुई है। अमेरिका एक चीन के मुद्दे पर प्रतिबद्ध है, ये भी साफ किया गया। अमेरिका चीन के साझा मुद्दों पर चर्चा हुई इस महा मुलाकात के दौरान। The first war crime is being committed by Hamas by having their headquarters, their military, hidden under a hospital. And that's a fact. That's what's happened. Israel did not go in with large number of troops, did not raid, did not rush everything down. They've gone in, and they've gone in with their soldiers carrying weapons, their guns. They were told, let me be precise. We've discussed the need for them to be incredibly careful. You have a circumstance where you know there is a fair number of Hamas. और इस बीच आपको बता दें, ताइवान पर जिनपिंग भी सख्त नजर आए। ताइवान में कोई दखल मंजूर नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। ताइवान को हथियार देना बंद करे अमेरिका, चीन पर एक तरफा प्रतिबंध हटाए जाए, ये तमाम बातें इस महामुलाकात के दौरान कही गई है, जहां पर ताइवान का भी खुलकर जिक्र हुआ है। और चीन ने साफ तौर पर यह कहा है कि
जो बार बार इंटरफेरेंस अमेरिका की तरफ से होता है चीन ताइवान के मुद्दे पर, उसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। ताइवान पर किसी भी तरीके का दखल मंजूर नहीं है, ये शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया। शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन हो ये भी कहा गया। तो ताइवान पर किस तरीके से टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। जिनपिंग ने कहा ताइवान को हथियार देना बंद हो, तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन हो ये भी कहा गया है। इसके अलावा ताइवान को चीन में शामिल करने का समर्थन करें, जिनपिंग ने इस मुलाकात के दौरान ये बात भी कही। ताइवान के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया जाए, इस पर भी जोर दिया गया। जिनपिंग के बयान के अब मायने क्या है ये समझिए। ताइवान पर दोनों देशों में टकराव जारी है। इसके अलावा चीन ताइवान मुद्दे पर दखल नहीं चाहता है, ये भी साफ हो गया है। साथ ही साथ ताइवान में अमेरिकी दखल से चीन नाराज नजर आया। ताइवान पर किसी समझौते को तैयार नहीं है चीन, ये भी साफ हो जाता है इस महामुलाकात के बाद। इस बीच बता दें आपको, ईरान को लेकर जिनपिंग से बोले जो बाइडन, ईरान से बात करे चीन, मिडिल ईस्ट को ना भड़काए चीन, ये भी बाइडन की तरफ से कहा गया। तो ईरान को लेकर भी दोनों देशों में बात हुई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ईरान को समझाने की जरूरत है, मिडिल ईस्ट को वो ना भड़काए। ये तमाम बातें जो बाइडन की तरफ से कही गई है इस महामुलाकात के दौरान। तो बाइडन और जिनपिंग की मुलाकात से दुनिया को क्या हासिल हुआ, ये बड़ा सवाल है। असल में हाथ तो मिले लेकिन दिल नहीं मिले, जबकि कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जो दोनों सुनना नहीं चाहते। जैसे बाइडन ने जिनपिंग के लिए तानाशाह शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक तानाशाह हैं। वहीं जिनपिंग ने ताइवान का नाम लिया और कहा कि अमेरिका ताइवान को हथियार देना बंद करे। उधर जवाब में बाइडन ने कहा कि चीन चुनावी प्रक्रिया का सम्मान करे। इसी तरह मुलाकात में जिक्र तेहरान का भी आया। बता दें आपको, बाइडन ने कहा कि ईरान मध्य पूर्व में दखल देना बंद करे। तो ये तमाम बातें इस मुलाकात के दौरान कही गई हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि मुलाकात तो हुई है लेकिन दिल यहां पर नहीं मिले हैं। बाइडन जिनपिंग से पत्रकारों के सवाल, बता दें क्या आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, ये पत्रकारों द्वारा पूछा गया। पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दिया गया। बाइडन जिनपिंग ने कोई भी जवाब इस सवाल का नहीं दिया। अफसरों ने पत्रकारों से बाहर जाने को इस दौरान कह दिया। क्या आप दूसरे पर विश्वास करते हैं एक दूसरे पर, यह सवाल पूछा गया था, जिसका जवाब दोनों में से किसी ने भी नहीं दिया। तो बाइडन जिनपिंग से पत्रकारों के कई सवाल थे, जिसमें एक सवाल था क्या आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और सवाल का जवाब ना ही बाइडन ने दिया ना ही जिनपिंग ने। और यहां जो सिक्योरिटी में मौजूद लोग थे, उन्होंने पत्रकारों से बाहर जाने को कह दिया। अब आपको इजराइल के तेल अवीव में मौजूद विपिन चौबे की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जो आपको बताएंगे कि अलशिफा अस्पताल पर कब्जा इजराइल के लिए कितना जरूरी है। इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में 40वें दिन अब ये युद्ध पूरी तरह से अलशिफा अस्पताल आकर केंद्रित हो गई है। भारतीय समय के मुताबिक सुबह लगभग 5:30 बजे इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस पूरे मामले में अलशिफा अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया है और फाइनल असॉल्ट इस वक्त अलशिफा अस्पताल में फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। अलशिफा अस्पताल की बात करें तो अलशिफा अस्पताल अपने आप में हमास का सबसे बड़ा
कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और आज भी हजारों की तादाद में हमास के लड़ाकों के वहां पर छिपे होने की आशंका है, जिसके चलते अल शिफा अस्पताल को पूरी तरह से आईडीएफ ने घेर लिया है। आपको बता दें कि आज की तारीख में भी अल शिफा अस्पताल में लगभग 9000 से ज्यादा लोग, जिसमें बीमार, तीमारदार और इसके अलावा हमास के समर्थक और हमास के लड़ाके इस वक्त छिपे होने की आशंका है। बीते 40 दिनों में जिस तरह के हमले हुए हैं उसमें 200 से ज्यादा लोग अब तक अल शिफा अस्पताल में जो लोग मौजूद थे उनको मारा जा चुका है और इन तमाम लोगों को अस्पताल परिसर के अंदर ही दफनाया गया है। माना यह जा रहा है कि अल शिफा अस्पताल पर जीत का मतलब है, पूरी तरह से कंट्रोल हासिल करने का मतलब यह है कि इस लड़ाई को 80 से 90% तक जीत लेना। और इस बीच आपको बता दें, दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई लगातार जारी है। खान यूनिस के पूर्वी इलाकों में आईजीएफ ने पर्चे गिराए हैं। पर्चों में खान यूनिस इलाके को जल्द खाली करने का संदेश दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जो खान यूनिस में आईजीएफ की ओर से ये पर्चे गिराए गए हैं। जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, इस पे साफ साफ मैसेज लिखा गया है जिसमें इस पूरे इलाके को जल्द से जल्द खाली करने को कहा गया। और इस बीच कलकिलिया में इजरायली सेना की छापेमारी जारी है। बकात अल हताब गांव में ये छापेमारी की गई है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपके सामने, यहाँ कलकिलिया में इजरायली सेना ने छापेमारी की है। ये देखिए, आपको जवान यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बकात अल हताब गांव ये बताया जा रहा है, जहाँ पर इजरायली फोर्सेस द्वारा छापेमारी की जा रही है। इजरायली सेना एक्शन में है, लेकिन असली चुनौती हमास के बंकर हैं। ये किस तरह इजरायल के लिए बड़ा चैलेंज बने हुए, ये समझने के लिए आपको तेल अवीव से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। गाजा पट्टी की धरती पर हमास का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है बंकर, और इन्हीं बंकरों से आज की तारीख में इजरायल की फोर्स जूझती हुई नजर आ रही है। हमारी मौजूदगी इस वक्त तेल अवीव के एक ऐसे ही बेसमेंट में मौजूद है जिसका इमरजेंसी में बतौर बंकर इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह के बंकर 1983 में गाजा पट्टी की धरती पर, जब वहां पर इजराइल का रूल हुआ करता था, तो इन बंकरों का निर्माण आज की तारीख में, स्पेशली अल शिफा अस्पताल की अगर बात करें, उसके नीचे जिन बंकरों को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, उस बंकर का निर्माण दरअसल इजराइल ने ही 1983 से पहले, जब वहां पर गाजा पट्टी की धरती पर इजराइल का शासन काल था, तो बनाया गया था। आज की तारीख में वही बंकर अब उसके लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। इन बंकरों की बात करें तो इसी तरह के बड़े बड़े बंकर जिसमें कई लेयर्स शामिल हैं, इन्हीं लेयर्स में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जिस पर कब्जा करना, जिस पर पूरा नियंत्रण हासिल करना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि पश्चिम के तमाम जो जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से यह दावा किया गया और यह कहा गया है कि इसके नीचे कई लेवल के बेसमेंट्स बनाए गए हैं जिसमें पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चल रहा है। इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर कब्जा करने का मतलब यह है कि इस पूरे युद्ध में 80 से 90% तक जीत हासिल कर लेना। और इस बीच आपको बता दें, जंग के बीच गाजा पहुंच गया है पहला ईंधन ट्रक। राफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा पहुंचा है ये फ्यूल टैंकर। 7 अक्टूबर के बाद ईंधन की आपूर्ति पूरी तरीके से ठप थी, और इस बीच खबर आ रही है कि राफा क्रॉसिंग के जरिए, ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर फ्यूल टैंकर अब गाजा पहुंच रहे हैं। तो ये ईंधन से भरे हुए ट्रक राफा क्रॉसिंग को पार करते हुए गाजा में दाखिल हुए। इस बीच वॉशिंगटन में फिलिस्तीन समर्थकों का हंगामा हुआ है। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की बिल्डिंग के सामने पुलिस से इनकी भिड़ंत हुई है। बिल्डिंग के गेट पर किस तरीके से हंगामा हुआ है ये तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। पुलिस ने यहां पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इसराइल के लिए युद्ध में लेबनान से हिजबुल्ला का फ्रंट खुलना भी बड़ी परेशानी की वजह बना हुआ है। इसराइल में मौजूद TV9 संवाददाता विपिन चौबे से इस बारे में जानिए। पिछले 40 दिनों में जब से ये युद्ध छिड़ा है, हिजबुल्ला का चीफ
नसरुल्ला लगातार बमबारी कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है और अपने भाषणों के जरिए इस युद्ध को और भी भड़काने की कोशिश कर रहा है। पिछले 15 दिनों की बात करें तो हिजबुल्ला चीफ नसरुल्ला 2 बार टीवी कैमरों के सामने आकर भाषण दे चुका है और इस युद्ध में हमास को समर्पण न करने की सलाह और प्रतिशोध के साथ कार्रवाई करने की बात कह रहा है। साथ ही हमास का समर्थन करने के लिए लेबनान के सीमा से लगातार रॉकेट और मिसाइलों को दागा जा रहा है, जिसका जवाब इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स दे रही है। लेकिन अगर पूरी तरह से जिस तरह से हमास ने मोर्चा खोला था, अगर ऐसा ही मोर्चा लेबनान की तरफ से खोला गया तो एक दोहरी चुनौती होगी ये इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन फिलहाल इजराइल का पूरा फोकस गाजा पट्टी पर है और लेबनान पर निगाहें बनी हुई हैं। आइए अब देखते हैं महायुद्ध 30 सेकंड एक्सक्लूसिव में इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के खात्मे को जरूरी बताया है। बाइडेन ने यह भी कहा कि गाजा पर इजराइल का कब्जा नहीं होना चाहिए। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक हुई और इस बैठक में इजराइल जंग, ताइवान, इंडो पैसिफिक व्यापार, रूस यूक्रेन को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद बाइडेन ने कहा हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा लेकिन आम लोगों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि मध्य पूर्व में तनाव कम करने के लिए चीन को ईरान से बात करनी चाहिए। चीन और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच बैठक तो संबंध को बेहतर करने के लिए हुई थी लेकिन बाइडेन ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से तल्खियां बढ़ सकती हैं। बाइडेन ने ऐसा क्या कहा कि चीन तिल बिलाया हो सकता है, देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने आए तो उन्होंने जिनपिंग पर एक विवादित बयान दे दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो अब भी मानते हैं कि जिनपिंग तानाशाह हैं। आगे वो बात को संभालते हुए बोले कि जिनपिंग एक साम्यवादी देश के मुखिया है, इस मायने में वो तानाशाह है। बाइडेन इससे पहले भी जिनपिंग को तानाशाह कह चुके हैं, उस समय चीन ने इस पर कड़ा एतराज जताया था। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बाइडेन के विशेष दूत से कहा कि हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी और इजराइल की सेना हमास को खत्म करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने तेल अवीव में राष्ट्रपति बाइडेन के विशेष दूत ब्रेट मैक गुर्क से मुलाकात की। बैठक में युद्ध को लेकर ताजा हालात पर चर्चा हुई। इसराइल के पीएम ऑफिस के अनुसार नेतन्याहू ने बैठक में अल शिफा अस्पताल को हमास के कब्जे से मुक्त कराने को बड़ी सफलता बताया। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल हमास को खत्म करने के लिए हर जगह पहुंचने में सक्षम है। यमन की तरफ से आए ड्रोन को अमेरिका की वॉरशिप ने मार गिराया है। ये घटना लाल सागर की है। वॉरशिप ने ड्रोन को मार गिराया। बताया जा रहा है कि ड्रोन यमन की तरफ से आया है। अमेरिका ने सीधे हूती विद्रोहियों पर आरोप नहीं लगाया है लेकिन एक हफ्ते पहले लाल सागर के ऊपर हूती विद्रोहियों ने एक अमेरिकी ड्रोन MQ-9 को मार गिराया था। हूती विद्रोहियों ने तब कहा था कि अमेरिकी ड्रोन यमन के एयर स्पेस में मौजूद था, जबकि अमेरिका का कहना था कि ये इंटरनेशनल एयर स्पेस है। कलकिल्या और जेनिन में इसराइल की सेना का ऑपरेशन तेज हो गया है। इसराइल अब हमास को नेस्तनाबूद करने की पूरी तैयारी में। वीडियो में दिख रहे ये सैनिक इसराइल की सेना के हैं और जगह है वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी शहर कलकिल्या का बकाद हल हताब गांव। IDF के सैनिक अब इस गांव में ऑपरेशन चला रहे हैं। इसराइल को शक है कि गांव में हमास के समर्थक छिपे हुए हैं। उधर गाजा में इजरायली सेना ने हमास की कई पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। वहीं जेनिन में आमने सामने की जंग जारी है, दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। इजरायल के अश्कलोन शहर को हमास बार बार निशाना बना रहा है। ताजा मिसाइल हमलों में बड़े नुकसान की खबर सामने आ रही है। इजरायल के अश्कलोन शहर में हमास ने एक बार फिर से हमला किया है। हमास के लड़ाकों ने शहर पर ताबड़तोड़ मिसाइल से हमला किया। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने कुछ मिसाइलों को नाकाम कर दिया है।
लेकिन कुछ शहर में गिरी हैं। खबर है कि मिसाइल हमलों से कुछ इमारतों को नुकसान हुआ है। दो दिन पहले भी हमास ने अश्कलोन पर रॉकेट अटैक किया था, जिसमें जानमाल का भी नुकसान हुआ था। गाजा के अस्पताल में काम कर रहे जॉर्डन के 7 नागरिक घायल हो गए हैं। जॉर्डन ने इसराइल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। जॉर्डन ने दावा किया है कि उसके 7 नागरिक गाजा में घायल हो गए हैं। ये नागरिक गाजा के फील्ड अस्पताल में काम करते हैं। जॉर्डन के विदेश मंत्री के मुताबिक ये सभी लोग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घायल फिलिस्तीनियों की मदद कर रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। इस हमले में कई फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। जॉर्डन ने इसराइल पर हमले का आरोप लगाया है और जांच की मांग की है। इसराइल ने हिजबुल्ला के हमलों का जवाब दिया है। हवाई हमलों में हिजबुल्ला की कई चौकियां तबाह करने का दावा किया। इसराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है। इसराइल ने हिजबुल्ला के हथियार डिपो, कई चौकियों, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोजीशन को निशाना बनाया। हमले में हिजबुल्ला को भारी नुकसान हुआ है। इससे पहले हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल में मिसाइल अटैक किया था। हिजबुल्ला ने दावा किया था कि उसने इसराइल के 2 सैनिकों को मार गिराया।